साक्षी का कभी उदय नहीं होता और यह साक्षी कभी अस्त नहीं होता ख्याल रहे मन में विचार उदय होते हैं मन के विचार अस्त होते हैं लेकिन साक्षी ना उदय होता है ना अस्त होता है इसलिए मन के तमाम विचारों के उदय और अस्त होने को जो जानता है वो खुद कभी उदय और अस्त नहीं होता है नॉन चेंजेबल ना वृदिम याति ना क्षयम् ना ये स्वरूप कभी बढ़ता है ना ये स्वरूप कभी घटता है क्षयम घट जाना ना घटता है न बढ़ता है स्वयं विभाति अथवा अन्य स्वयं विभाति ये आप चैतन्य स्वरूप प्रकाश स्वरूप है और अन्य को दूसरे को भी प्रकाश देता है साधनम बिना और ये प्रकाश देता है बिना किसी साधन के देखो अभी आपकी आंखें देख पा रही हैं क्योंकि बाहर रोशनी है हॉल से बाहर जाएंगे तो सूर्य की रोशनी है अगर सूर्य की रोशनी ना हो तो क्या आंखें देख सकती हैं तो देखने के लिए क्या चाहिए प्रकाश देखने के लिए क्या चाहिए अच्छा प्रकाश तो हो पर तुम्हारी आंखों में ही अंधेरा छा जाए मोतिया बिंद हो जाए तो दिख जाएगा क्या तो बाहर का प्रकाश भी हो और आंखों की रोशनी भी हो अच्छा आंखों की रोशनी तो है पर तुम्हारा मन यहां वहां चला गया कहीं तो सामने पड़ी चीज भी नहीं दिखती फिर दिखती क्या आंख देख सकती है तब जब मन साथ में मिले तो मन अगर भूत भविष्य की चिंता में नहीं गया हुआ तो भी मन देख सकेगा उन को और मन और आंखें अपने आप में जड़ हैं ये मुझ चेतन के प्रकाश से ही प्रकाशमान होकर करती जैसे बिजली हो तो बल्ब रोशनी दे पंखा हवा दे बिजली ना हो तो ना बल्ब रोशनी दे ना पंखा हवा दे राइट right? मन ने संकल्प किया विकल्प किया विचार किया स्मृति करी निद्रा करी ये जो भी कुछ किया मन ने किसके कारण से मुझ चेतन की बासियेत मेरा भासना भासना प्रकाशना देखना ये सब मेरी वजह से था मैं कौन हूं मैं सच्चिदानंद साक्षी स्वरूप तो मुझ साक्षी स्वरूप की रोशनी में मन ने विचार किया आंख ने देखा हाथ ने काम किया पैर चले पर मैं किसके प्रकाश से चलता हूं किसी के भी प्रकाश से नहीं स्वयं विभा मैं अपने प्रकाश से आप प्रकाश मान जैसे हम बार का उदाहरण ले सूर्य की रोशनी की वजह से चंद्रमा रोशन लगता है चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं सूर्य की ही रोशनी प्रतिबिंबित होती है तो चंद्रमा रोशन लगता है पर सूर्य किसकी रोशनी से रोशन है किसी की भी नहीं वो, अपने आप से वो रोशन है ऐसे ही ये मन रूपी चंद्रमा मुझ चेतन की प्रकाश से ही प्रकाश माना है और मैं स्वयं प्रकाश अपने ही प्रकाश में मैं प्रकाशित हूं ये मेरा स्वरूप है ये आपका स्वरूप है दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता है जैसे बाहरी हम कहें सूर्य का प्रकाश हमेशा प्रकाशता रहता है ऐसे मुझ दृष्टा साक्षी का प्रकाश हमेशा प्रकाशता रहता जागृत हुई स्वप्न हुई सुषुप्ति हुई किसने जाना मैं जानता हूं स्वयं स्वयं विभातयत अन्य स्वयं विभाषित है स्वयं प्रकाशित है और अन्य को प्रकाश करता है बासियत साधनम बिना और अपना ये प्रकाश किसी साधन के बगैर है स्वयं प्रकाश इसी को कहते हैं